दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस पार्टी ये भी कह सकती है कि हिंदुओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं। वहीं पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बजरंग दल का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूछा कि क्या बजरंग दल आतंकवादी संगठन है। जी किशन रेड्डी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट के लिए देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है, वो बजरंग दल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या बजरंग दल देशद्रोही है। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बजरंग दल और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर मुस्लिमों के वोटों को पाना चाहती है, जिससे वो सत्ता में आ सके। उन्होंने आगे कहा कि बजरंग दल किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, बजरंग दल पूरे हिंदू समाज का है, पूरा हिंदू समाज बजरंग दल को मानता है। आज कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर जो आरोप लगा रही है, इससे हिंदुओं में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि यही एक कारण है जिसकी वजह से कर्नाटक में आज हिंदू समाज एकत्रित हो गया है। जी किशन रेड्डी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यह भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी यह भी कह दे कि हिंदुओं को मंदिर जाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बजरंग दल और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के विरोध में सड़कों पर उतरा बजरंग दल, चल रहा हनुमान चालीसा का पाठ। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान काफी तेज हो गया है। 10 मई को मतदान होना है और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं को भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। इस कैंपेन में भाजपा को बजरंग दल पर बैन वाला कांग्रेस पार्टी का वादा भी बड़ा फायदा पहुंचाता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे को भाजपा ने हाथों हाथ लपा लिया है और उसे हिंदू विरोधी बताया है। बुधवार को तो कई रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों से जय बजरंगबली का नारा भी लगवाया। फिलहाल इस मामले में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर जाती दिख रही है। जो अभी कर्नाटक में बढ़त बनाए हुए थी, इस मामले को लेकर बजरंग दल भी सड़कों पर उतर आया है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किए जाने पर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा हमलावर है तो वहीं बजरंग दल अब खुद ही सड़कों पर उतर आया है। बजरंग दल ने कई इलाकों में सड़कों पर उतर कर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। यही नहीं, बीजेपी भी गांव-गांव हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। अगली बड़ी खबर, बजरंगबली विवाद पर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने बीजेपी से किया तीखा सवाल। पूछा हनुमान जी और बजरंग दल के बीच में क्या संबंध है। ये आपको बता दें कि कर्नाटक इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे पर उठे विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वो खुद भगवान हनुमान के भक्त हैं, लेकिन बीजेपी बताए कि बजरंगबली और बजरंग दल के बीच में क्या संबंध है। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं हिंदू हूं, भगवान हनुमान और भगवान राम का भक्त हूं। क्या भाजपा नेता केवल भगवान हनुमान के भक्त हैं? कर्नाटक शांति का स्वर्ग रहा है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़कर लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने बीजेपी से सवाल किया कि वे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के हमारे प्रस्ताव से घबरा रहे हैं, मगर हमारे घोषणा पत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। वे पहले ये बताएं कि बजरंगबली और बजरंग दल के बीच में क्या संबंध है। इस विवाद के बीच में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, क्योंकि ये अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि बजरंग दल एक अखिल भारतीय संगठन है और राज्य सरकार इस पर कैसे प्रतिबंध कर सकती है। कांग्रेस ने केवल समाज में परेशानी पैदा करने के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि भगवान हनुमान और बजरंग दल अलग अलग हैं। भाजपा को बजरंग दल बजरंग बली का नाम लेकर चुनाव प्रचार करना चाहिए। वे आपको बताएं कि उन्होंने भूख और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या किया है। कांग्रेस नेता ने टिप्पणी करते हुए कह दिया कि अतीत का आरएसएस और मौजूदा आरएसएस अलग है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में बजरंग बली को लेकर घमासान छिड़ा है। कांग्रेस पार्टी अपने वादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। डीके शिवकुमार ने अभी भी ऐलान किया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी और बजरंग दल इसको
लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी हर गांव और हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, तो वहीं बजरंग दल भी सड़कों पर उतरकर कांग्रेस पार्टी के सुहादे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में करेंगे 37 किलोमीटर का रोड शो, 17 विधानसभाओं को करेंगे कवर। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 37 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। उनका ये रोड शो 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी इस सप्ताह के अंत में 2 मेगा रोड शो और 4 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 मई की रात बेंगलुरु पहुंचेंगे और 6 मई को शहर में 2 रोड शो करेंगे। सूत्रों ने बताया कि 7 मई को पीएम मोदी राज्य के अलग अलग हिस्सों में 4 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी के कर्नाटक जाने की भी उम्मीद है, जिसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 5 किलोमीटर और मैसूर में रोड शो किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। गुजरात चुनाव के दौरान मोदी जी ने 19 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए 25 किलोमीटर से अधिक का रोड शो किया। मंगलवार को भी मोदी जी ने कलबुर्गी में मेगा रोड शो किया था। रोड शो के दौरान जिस सड़क से उनका काफिला गुजरा, उसके दोनों तरफ लोगों की कतारें लग गईं और उन्होंने उनका हौसला भी बढ़ाया। लोगों ने मोदी जी के स्वागत में उन पर जमकर पुष्प वर्षा की। आपको बता दें कि अब माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को 37 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी इस दौरान जनता से कमल का बटन दबाने की अपील भी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली, पीएम मोदी के सपने को बीजेपी ने लूट लूट कर तोड़ दिया। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में चुनावी प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने कर्नाटक को सबसे विकसित राज्य बनाने का सपना देखा था, जिसे उन्हीं की बीजेपी सरकार ने तोड़ दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने सपना देखा था, सुबह कह रहे थे कि मैंने तो सपना देखा था कि मैं कर्नाटक को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाऊंगा। वाह वाह, आपने सपना देखा, आप सर्वोपरि सर्वज्ञानी अंतर्यामी सर्वशक्तिमान, आपने सपना देखा और आपका सपना साकार नहीं हुआ। किसकी हिम्मत थी कि आपका सपना तोड़ा? मैं बताती हूं, आप ही की बीजेपी की सरकार ने सपना तोड़ा, कर्नाटक प्रदेश को लूट लूट कर तोड़ा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आप क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे थे जब ये लूट मच रही थी? आंखें बंद करके सपना देख रहे थे क्या? जब आपको कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने, जब आपको स्कूल मैनेज एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी थी, तो क्या हुआ, आप सो रहे थे या फिर सपना देख रहे थे? इसी के साथ प्रियंका गांधी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि उनको जगाना है या नहीं जगाना है, ये उनकी समस्या है, आप तो जागिए, अपने प्रदेश को बचाइए। पीएम मोदी ने भी बुधवार को कर्नाटक के मुल्की अंकोला और बेलहोंगल में रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी की पूरी राजनीति फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी शांति और विकास की दुश्मन है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जब भारत के लोकतंत्र और विकास की वैश्विक स्तर पर सराहना और सम्मान किया जा रहा है, तो वो दुनिया भर में जाकर देश को बदनाम कर रही है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जिस राज्य के लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वे सबसे पहले अपने राज्य से कांग्रेस पार्टी को बाहर कर देते हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार एक बार फिर जनता से बीजेपी की सरकार को लाने की अपील कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूछ लिया तीखा सवाल। कहा, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमारे लोकतंत्र की आलोचना क्यों? ये आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र है और इसकी छवि को किसी को भी दागदार या धूमिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुछ लोग ये झूठी कहानी फैलाकर देश के बाहर भारत की लोकतांत्रिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो कुछ लोग हमारे लोकतंत्र की आलोचना क्यों कर रहे हैं? देश के बाहर और अंदर भी बातें करें कि क्या हमारे पास में लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। मैं भरोसे के साथ और विरोधाभासों के डर के बिना यह कहने की हिम्मत करता हूं कि भारत आज की तारीख तक ग्रह पर सबसे सजीव लोकतंत्र है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे इसके लिए एक रास्ता निकालें ताकि इस तरीके के घातक और भयावह नैरेटिव को जड़ से उखाड़कर फेंका जा सके। अगली बड़ी खबर, पहलवानों से झड़प के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस, जंतर मंतर जाने वाले सभी रास्ते कर दिए बंद। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच में बुधवार की रात करीब 11 बजे कथित तौर पर धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एंट्री और एग्जिट दोनों जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया। पुलिस से हुई झड़प के बाद पहलवानों से आम आदमी पार्टी की नेता सौरभ भारद्वाज और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मिलने आई थी। पहले पुलिस ने उन्हें पहलवानों से मिलने की अनुमति नहीं दी, हालांकि
बाद में स्वाति मालीवाल ने महिला पहलवानों से मुलाकात की। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हालात को देखते हुए सूरत में मीडिया कर्मियों को भी बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि गुरुवार सुबह पुलिस ने मीडिया की एंट्री धीरे धीरे शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर हमला किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पहलवानों का आरोप है कि उन्होंने बारिश की वजह से सोने के लिए बेड मंगवाए थे, जिसे पुलिस ने आने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हो गई। इस बीच प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को अपनी चार मांगों को लेकर चिट्ठी भी लिखी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के कई अधिकारी रात भर आकर पहलवानों से बात करते रहे। जानकारी के मुताबिक जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने दोनों एंट्री पॉइंट में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है। अगली बड़ी खबर, मिडनाइट बवाल के बाद पहलवानों ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम मेडल वापस कर देंगे, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। ये आपको बता दें कि जंतर मंतर पर बुधवार देर रात हुए बवाल के बाद गुरुवार को पहलवानों ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहलवानों ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार या फिर विपक्ष से नहीं है, उनकी लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह से है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलवानों के साथ में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो सकती और उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो ऐसे में उनके मेडल और पुरस्कार सरकार वापस ले ले। पुनिया ने कहा कि हम सरकार को अपना मेडल वापस कर देंगे, ऐसे मेडल का हम क्या करेंगे। बजरंग पुनिया ने कहा कि इस आंदोलन को जानबूझकर राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारा आंदोलन न्याय के लिए है और इसमें सभी का समर्थन मिल रहा है। बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारे पास तो कल पीटी उषा भी आई थी। बजरंग पुनिया ने कहा कि पुलिस उनके ही इशारे पर काम कर रही है, जब से FIR दर्ज हुई है तब से ही हम लोगों को गालियां दी जा रही हैं, इसे राजनीतिक और जाति से जोड़कर हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे गाली दी गई, पुलिस का व्यवहार आक्रामक वाला था, हमने बेड मंगवाया था, रात में ही पुलिस को शिकायत दे दी है, पुलिस वाला ड्रिंक कर रहा था, पुलिस वाला नशे में था। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि अपना मेडल वापस करने को तैयार हैं। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि वो मेडल के साथ जान भी दे देंगी। विनेश फोगाट ने कहा कि इतनी बेइज्जती कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने आए थे और यहां पर पैरों तले रौंदे जा रहे हैं, यहां पर हमें मां बहन की गालियां दी जा रही। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर की घटना पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा बेटी बचाओ बस ढोंग है। ये आपको बता दें कि जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ियों के साथ में ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है, बेटी बचाओ बस ढोंग है, असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी भी पीछे नहीं हटी है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में आए नवजोत सिंह सिद्धू, बोले दोषी को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को बनाया जा रहा गुनेगार। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के पहलवान काफी दिनों से धरने पर बैठे हैं। गुरुवार देर रात पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच में बवाल हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले सत्ता के नशे में इस कदर चूर हैं कि वे विरोध करने वाले सत्याग्रहियों को डराते धमकाते और गाली गलौच करते हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी महिला चैंपियन के साथ में बदसलूकी करते हैं और विरोध स्थल पर मौजूद एक भी महिला पुलिसकर्मी के बिना धमकी देना शर्मनाक है, ये लोकतंत्र की आड़ में निरंकुशता को दर्शाता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि शांतिपूर्वक विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले को किया फोन, शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वाली NCP में मंगलवार को उस समय अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक शरद पवार को मनाने के प्रयासों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को फोन किया। आपको बता दें कि विश्व सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक सुले के साथ में बातचीत में उन्होंने शरद पवार उनका इस्तीफा वापस लेने की बात कहने का आग्रह किया। वहीं उनका इस्तीफा वापस नहीं लेने की स्थिति में पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में भी जानकारी ली। मिली जानकारी के मुताबिक शरद पवार के इस्तीफे की खबर के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने शरद पवार से बात करके उनके इस्तीफे पर पुनर्विचार करने को कहा है। इसके अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी शरद पवार और उनके परिवार से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी सुप्रिया सुले को फोन करा, उनका
का इस्तीफा वापस लेने की मांग की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या शरद पवार एक बड़ा खंभा था? आपका क्या मानना है? क्या शरद पवार के जाने से एमबीए और पूरे विपक्ष में दरार पड़ती नजर आ रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।